अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको हंसते खिलते लोग में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ये मालूम है कि मुहर्रमुल हराम शरीफ का ये महीना शुरू है, तो इस महीने में लोग जो कब्रिस्तान वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे जो उनके बुज़ुर्ग होते हैं, जो उनके प्यारे दफन होते हैं, और उनकी कब्रों को वो मरम्मत करवाते हैं और वहाँ पे सफाई करते हैं और पेंट वगैरह करवाते हैं। तो इसी सिलसिले में हम भी आज कब्रिस्तान जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग दफन हैं, तो उनकी हम कब्र मुबारक पर जाएंगे और चूना हम लेके जा रहे हैं, तो उनकी कब्र को पेंट करेंगे और आपको अपने कब्रिस्तान का जो है ना विज़िट करवाएंगे। तो जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने। ये देखें जी, ये हमने चूना बनाया है, इसको मिक्स किया है, तो बुरछी भी हमने ले ली है। तो हम चलते हैं कब्रिस्तान की तरफ, जाते जाते आपको रास्ता भी दिखाएंगे। ये हमने देसी जुगाड़ किया है, एक बंदा इसको नहीं लेके जा सकता, तो रास्ता जो है ना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए हमने ये देखो ये देखें जी, ये काफ़ी नीचे है, वो सामने कब्रिस्तान है। ये जी, हम अपने घर से नीचे आ गए हैं। ये आप रोड देख रहे हैं, ये हमारे गांव वालों ने मिलके बनाया है, क्योंकि ये कब्रिस्तान है और जब बारिश आती है तो यहाँ से सारा पानी खड़ा हो जाता था, और जिसकी वजह से यहाँ से चलना बहुत मुश्किल हो जाता था, और जो मैयत लेके आते थे उनके लिए भी काफ़ी मसला होता था। तो ये एक बहुत अच्छा काम किया है, सारे गांव वालों ने मिलजुल के ये रोड बना दिया है, नीचे पाइप भी लगा दिए हैं, जहाँ से इधर से पानी ऊपर आता, ऊपर से पानी आता है तो ये नीचे इधर चला जाता है। ये हमें काफ़ी सहूलत हो गई है। ये देखें, ये हमारा गांव काफ़ी ऊंची ऊंची जगह पे है, इसलिए हमें मुश्किल पेश आती थी, इसलिए ये गाँव वालों ने मिल के यहाँ से ये पक्का रोड बना दिया है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी आसानी होती है। ये जी हमारी जनाजगाह है, यहाँ पे जनाजा अदा होता है, ये छोटा सा वाशरूम बनाया हुआ है, और ये वज़ू करने की जगह है, ये दरवाज़ा है इसका, अंदर से भी आपको दिखाते हैं। अभी ये ज़ेरे तामीर है, थोड़ा थोड़ा काम इसका भी रहता है, तो जब भी कोई जनाजा होता है तो यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो फंड इकट्ठा करते हैं और थोड़ा थोड़ा काम करवाते हैं। ये अब हम कब्रिस्तान में दाखिल हो गए, ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरती है। ये जी हमारे इलाके का कब्रिस्तान है, और ये जो आप झंडा देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे गांव के शहीद आराम फरमा रहे हैं। तो अभी दोपहर का टाइम है, इसलिए लोग इतने ज़्यादा नहीं आए। ये माशाल्लाह, ये देखेंगे लोग लगे हुए हैं, अभी दिन का टाइम है इसलिए लोग काफ़ी कम है, जब शाम होगी तो लोग आ जाएंगे। ये हमारे मिस्त्री साहब लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं, ठीक हैं? ये जी हमारे सेठ साहब हैं, ये हमारे गांव के बहुत बड़े व्यापारी हैं, इनकी शक्ल भी ले ले जैसी है। ये अपने बुजुर्गों की कब्र पे आए हैं, उनको ये हमारे दादा हजूर की कब्र है। ये इस पे अभी थोड़ी सी सफाई हम करेंगे और इस पे चूना लगाएंगे।
जी तो दोस्तों फाइनली हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है और हम वापस घर जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। ये छोटी सी कब्र है, ये मेरे चाचू की है, एक ये की है, एक ये वाली की है और दो उस साइड पे की है। मान लाए थे ये थोड़ा सा चूना बच गया है, ये इधर साथ था वो बंदे लगे हुए हैं उनको दे देंगे। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो का टाइम ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।